ब्रिटिश एशियन एक्टर एहसन खान लिव हेयर एंड एज वेल एहसन भाई क्या गुड अक गुड माशाला माशाल्लाह ये प्यार ये मोहब्बत कैसा फील करते हैं जब इतने लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो सही है मजाक कर रहा हूँ बहुत अच्छा फील हो रहा है सबसे पहले सबको असला जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो ऑडियंस हमें देख रही है आपका शो बड़े शौक से लोग देखते हैं यार और समा से एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन मेरी भी है पूरा महीना समा टी वी पर था अभी रिसेंटली इन रमजान सो सबको मेरा सलाम एंड थैंक यू क्या बात है तालियां या बंदा खड़ा रखते मेहमान से बात बैठे है। मैं आपको बिठाने लगा लेकिन मैं पहले जा रहा था लोगों लोगो को लोगों अच्छा को जो सिर्फ एक, एक होस्ट भी है तो पूरी ही और होती है सबसे वे, वे, आपने शुक्रिया, क्या एक महीना रमजान में भी शो होस्ट किया <laughs> एक है और मोमिन का शो भी लोग यार ये वाली होस्टिंग सच बोला नहीं तो बैठूंगा बैठ जाओ या ये फिर ठीक है क्या बात है आप लोग तो अपनी क्या बीवी की भी बात इसी तरह अगर माने आप तुम कहो कि बैठ जाऊं तो बैठ जाऊंगा तो फिर तो तुझे क्या पता मानते हो घर में ये भी बात ठीक है तो सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यू आर अ ब्रिटिश एशियन एक्टर इस पे मीम्स भी बनी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने इस सब को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया

यार प्लान यही था बैक इन 2000 प्लान यही था कि सब लोग वापस जा रहे हैं तो वी विल बी गोइंग बैक बट आई वाज माय बैचलर्स तो उससे पहले मैंने तो ये काम मतलब तो घर वालों को बताए बगैर शुरू किया था okay. और लाइक like, आप सोचो उस जमाने में ये होता था कि इस काम को थोड़ा सा अभी भी कुछ लोग कुछ फैमिली से मायूब समझते हैं और उनको ये एक्चुअली वो समझते हैं इसलिए मायूब है कि दे थिंक उनका बच्चा या उनकी बच्ची जो है

तो उनके लिए बड़ा एक अजीब था कि यार ये हमारे बच्चों क्या हो गया ये अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया और ये स्टूडियो के चक्कर लगा रहे हैं <laughs> तो, तो उसकी वजह से काफ़ी uh, मैंने तो जरा स्निक वे में ये काम शुरू किया और मैंने बोला आ रहा हूँ लंडन आ रहा हूँ थोड़ा आ रहा हूँ आ रहा हूँ अपना ये ईयर कंप्लीट कर लूँ स्टार्ट इतना बैचलर्स कम्प्लीट कर लूँ एंड देन आई वॉज लाइक

वो भी एक अजीब इतफाक की बात है कि हमारे पाकिस्तानी दो प्लेस लंदन में बन रहे थे मैं यहाँ से कुछ काम करके गया तो वो प्लेस वालों ने मुझे वहां पे कांटेक्ट किया एक प्ले का नाम था ख्याल और एक का चमान right. चश्मान के डायरेक्टर नदीम बेग साहब थे जो अभी नदीम बेग फिल्म जो बनाते हैं हमारे और उसमें असद नुमान एजाज फरा शाह वनीजा अहमद सब लोग थे और ख्याल में भी वही एक तो देवर शूटिंग इन लंडन सो जावेद फाजल साहब ही इज़ नो मोदेर सो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि एक एक्टर लंडन में कोई पाकिस्तानी नया लड़का है जो यहाँ रहता है तो तुम यहीं पे रह रहे हो यहीं पे काम कर लो सो आई शॉट दोस्ट प्लेयर्स इन लंडन तो वो दोनों प्लेस जब यहाँ चले तो मुझे और काम यहाँ से ऑफर हुआ सो आई केम बैक मुझे साहब का प्ले ऑफर हुआ फिर एक दो फिल्म्स ऑफर हुई सो so मैं तो फिर वापस और वहाँ से सफर वापस आके ऐसा चला कि माशा पूरे पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग इनकी है पहले भी थी नेबर्स में भी थी और हमारी जो भाभी हैं वो इनकी नेबर ही थी तो भाभी को जब हाँ की तो बाकी नेबर्स को ना कैसे की ऐसा नहीं फील हुआ कि शादी पे कोई धावा बोल देगा कि ऐसा तो मेरा है या कुछ <laughs> नहीं मैंने ऐसा किसी को कहा नहीं था कि मैं आपको वो तो तब होता <laughs> किसी ना जब जबरदस्ती नहीं... नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हूँ अच्छा वो बताना जरूरी है हाँ नहीं <laughs> वो तो यार आपको बोलता है कि वेन यूर यंग तो ऑन एंड ऑफ़ यूर यू आपकी लाइकिंग डिवेलप हो जाती है या किसी की आपके लिए डिवेल्प हो जाती है बट ऑबली वन यू गेट मैरिड इन यू डिसाइड कि यार मैंने अब शादी मतलब यहाँ पर करनी है और शादी कर ली तो फिर नेचुरली uh, वो इंसान को थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए बिल्कुल तो ये लव स्टोरी डिवेलप कैसे थी वो फिल्मों की तरह के छत पर गए और वो

थी भी और नहीं भी थी नहीं लेकिन शर्माई है ना जो एक एक नहीं, नहीं, नहीं आई है। वो यार कुछ बातें बतानी होती कुछ नहीं बतानी थी समझा कर या, हाँ, यार तो वो जितनी बतानी है उतनी बताऊंगा हाँ। तो एक अच्छी दोस्ती थी एंड देन वी थॉट के वी शुड गेट मारे इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे हाँ क्या बात है क्या बात है इनके लिए माशा अल्लाह तला बहुत खुश रखे उदारी ड्रामा आपका

Uh, कुछ गलत तो नहीं कर रहा तो इसलिए वो एक टिपिकल uh, माइंडसेट होता है कि हम लोग हीरो हैं यार और हर वक्त एक हीरो स्टाइल में रहना और uh, उसी में लाइक like, परफॉर्मेंसेस करना फिल्म्स करना ड्रामे करना जो भी आप कर रहे होते हैं सो ऑल ऑफ अ सडन जब आपको नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर होता है तो बहुत से लोग रिफ्यूज करते हैं और करते करना चाहते भी नहीं है सो so, मैं भी नहीं करना चाह रहा था और आई थिंक तीन लोगों ने रिफ्यूज किया था अच्छा, मेरे बाद उन्होंने किया पहले नहीं पहले मुझे ऑफर हुआ फिर आई थिंक दो और एक्टर्स को ऑफर हुआ उन्होंने मना कर दिया फिर मेरे पास वापस स्क्रिप्ट आया कि ये कर लें और एंड एक्चुअली आई साइंड टू प्लेस टुगेदर वन वाज लाइक नॉर्मल हीरो वाला जो एक टिपिकल टिपिकल नहीं था बड़ा अच्छा प्ले था वो भी एंड देन आई साइंड वन नेगेटिव वाला तो मैंने कहा चलो दोनों आगे पीछे चलेंगे कि ये इतना बड़ा I I mean, आप कभी भी आप हर चीज़ को एक अच्छी इंटेंशन से करते हैं बट यू नेवर एक्सपेक्ट कि आपका क्या चीज़ कब चल oh. जाए uh, वो आप आई थिंक इट्स अबाउट योर ला एंड हार्ड वर्क एन आई थिंक एक डेस्टिनेशन आपकी क्या कहते हैं कि डेस्टिनी जिसको कहते हैं आप कि आपने कहाँ पहुँचना है सो so एनी वो काम अच्छा लगा लोगों को और वो था एक कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी थी और मुझसे हो डूरिंग दैट वर्क आई वॉज सो डिस्टर्बड बिकॉज बड़ी एक डीप इशू पे वो काम है और उससे पहले मैंने चाइल्ड भी के बारे में उस तरह से सोचा भी नहीं था कि यार ये इन बच्चों पे क्या गुजरती है जब इन बच्चों के साथ ऐसा होता है अपनी ज़िंदगी में आम जिंदगी में ये जिनके साथ गुजरा है साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑब्वियसली बच्चों को हो जाते हैं और बड़े क्रिमिनल uh, हो जाते हैं या uh, सारी ज़िंदगी एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं इनसिक्योर रहते हैं ऑल देयर लाइफ सो बट एनी प्लेड इट रियली वेल एंड आई वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज यार और फिर मुझे उस इशू पे बात करने के लिए आज तक बुलाया भी जाता है और आई थिंक वो आपका आप जब काम कर रहे होते तो सोसाइटी को यू हैव टू गिव बैक आल्सो सो फिर आप कहीं ना कहीं घूम के आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि इस बात पे अब आपने ज़ोर देना है तो मैंने जहाँ जहाँ बस चला जिस प्लेटफॉर्म पर मैं गया तो आई स्पोक अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड द लॉज एंड दैट रियली रियलील्प इन अ वे एक अवेयरनेस भी क्रिएटिव प्ले के जरिए आई थिंक पाकिस्तान ड्रामा हिस्ट्री में जब भी कभी जिक्र किया जाएगा कि कोई ऐसा काम हुआ जिसपे पे शुरुआत की गई तो इस ड्रामे का नाम आएगा इनशाला जरूर